नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, आपने काफी समय पहले देखा होगा कि रश्मि देसाई को लेके काफी खबरें आ रही थी कि नागिन 4 में हमें दिखने वाली है रश्मि देसाई। एंड उसके बाद जो उनकी बोल्ड लुक और उनकी नागिन जैसे अवतार की जो फोटोज अपलोड हो रही थी बैक टू बैक, फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे थे। तो उन फैंस के लिए मेरे पास में है बुरी खबर, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि एकता कपूर के सीरियल नागिन 4 से रश्मि देसाई को निकाल दिया गया है। लेकिन उन्हें क्यों निकाला गया है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है वो लॉकडाउन की वजह से काफी तंगी का समय चल रहा है, और जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है उसके बाद से लेके अब तक लॉकडाउन खुला नहीं है, जिसकी वजह से टेलीविजन इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से बंद पड़ी है। 2 महीने से नागिन 4 की भी कोई शूटिंग नहीं हुई है, और कहीं ना मतलब कहीं से भी फाइनेंशियली सपोर्ट या कुछ भी हम बोले तो नहीं आ रहा। तो जब चैनल की मीटिंग हुई, जब मेकर्स की मीटिंग हुई, तो उन्होंने तय किया कि भाई, क्योंकि ये तंगी का समय है तो जितना कम हम चीजों का बजट रख पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और उस वजह से ही रश्मि देसाई को सीरियल से बाहर निकाला गया है, क्योंकि उनकी फीस जो है, उनकी रकम जो है वो काफी मोटी है। तो बजट को कम करने के लिए रश्मि देसाई को उस सीरियल से निकाल दिया गया है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि रश्मि देसाई की जगह किसी और को रिप्लेस किया जाएगा या ऐसा होगा, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब चैनल की मीटिंग हुई है तो इतने समय से कुछ हो नहीं पाया है, इसकी वजह से स्क्रिप्ट में भी काफी ज्यादा फेरबदल किए गए हैं। और क्योंकि रश्मि देसाई शलाका का कैरेक्टर प्ले करने वाली थी, और जब स्क्रिप्ट में फेरबदल किया गया है तो ये कैरेक्टर ही इस स्क्रिप्ट से बाहर निकाल दिया गया है। एक ये भी रीजन है रश्मि देसाई को शो से निकालने का। तो सर, रश्मि देसाई को तो शो से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अब नजरें टिकी हुई है नेहा शर्मा पर। क्योंकि जिस तरीके से रश्मि देसाई एक मोटी रकम वसूलती है, या उनकी जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा है, उसी तरह से नेहा शर्मा के भी चार्जेस, फीस उनकी काफी ज्यादा है। तो अब नजरें ये हैं, अभी भी चैनल्स की मीटिंग चल रही है, प्रोड्यूसर्स अपने बजट को कम करने के लिए हो सकता है कि निया शर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दें। आप लोगों के लिए मैं जानती हूँ ये बुरी खबर है, लेकिन ये जानकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस। बाकी सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस।